तो देवी और सचिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेके आया एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसे रोम के बारे में जो कि दुनिया से बहुत शांत है, बहुत दूर रहती है, लेकिन भाई यहाँ पर जब तहलका मचाती है तो बिल्कुल उड़ा देती है सभी के चैन और नींद। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे ताकि आपके यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर न्यू है एंड ऐसी धमाकेदार वीडियो देखना चाहते हैं फ्यूचर में भी तो नीचे लाल कलर के बटन को जरूर दबा दीजिएगा। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं हैवॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एंड आई होप सो कि आप सभी ने नाम सुना हो। एंड अगर आपने अभी तक नाम नहीं सुना है तो इस वीडियो के एंड तक आप इस रोम के बारे में सारी चीजें जान जाएंगे एंड जान पाएंगे कि कैसे ये रोम सभी रोमों से डिफरेंट है। सो आप लोगों ने कभी ना कभी तो पिक्सल रोम को ट्राई किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए अगर आपको प्योर गूगल का एक्सपीरियंस लेना है। एंड उसके रिगार्डिंग वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, वो वीडियो आपको यहां पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। यहां पर क्या होता है पिक्सल रोम में एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा आपको कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो जब बारी आती है कस्टमाइजेशन की तो यहां पर दो तीन रोम का नाम निकल गया था, उसमें से एक है हैवॉक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है रेजरेक्शन रिमिक्स एंड ऐसे ही एक दो और रोम है जिसमें आपको बहुत बेहतरीन कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। सो इस वीडियो हम कवर करेंगे हैवॉक ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो गाइस सबसे पहले बात करें बूट स्क्रीन की तो आपको यहाँ पर हैवॉक का बूट स्क्रीन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल है दिखने में। एंड इवन यहाँ पर जो बूट अप टाइम है वो 15 से 20 सेकंड है, सो आपका डिवाइस काफ़ी यहाँ पर फास्ट जो है बूट अप हो जाता है। एंड यहाँ पर फोन बूट होते ही जो फर्स्ट चीज आप ऑब्जर्व करेंगे वो होगा यहाँ पर जो पिक्सल का आपको पिक्सल टाइप में देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर इसका लॉन्चर है, वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर आपको लॉन्चर नाम का यहाँ पर जो है ऐप देखने को मिलता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर प्री इंस्टॉल होता है। एंड बहुत काफ़ी कम ऐप्स आते हैं इस हैवॉक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। मैंने बहुत सारे यहाँ पर एडिशनल ऐप्स यूज़ किए हैं बिकॉज मैं इसे अपना प्राइमरी फ़ोन एज ए यूज़ कर रहा था, सो यहाँ पर मेरे को सारे ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करने पड़े। सो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लुक की, तो लुक आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एंड इवन मैंने यहाँ पर आइकन्स वगैरह अपने हिसाब से लगा रखे हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें नोटिफिकेशन बार की तो नोटिफिकेशन बार आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है, मैंने डार्क वगैरह लगाया है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आइकन्स वगैरह हैं ये भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉअर भी मिल जाता है जो कि लॉन्चर ऐप के साथ आपको ऑलरेडी देखने को मिलता है। एंड काफ़ी स्मूथ है, यहाँ पर कुछ भी लैग वगैरह आप बिल्कुल यहाँ पर फेस नहीं करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम चलते हैं सेटिंग्स में, अब करते हैं मेन चीज़ों की बातें। यहाँ पर लाइक मोबाइल डेटा जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, 4G चल रहा है, वोल्टी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन बात करें नेटवर्क की, वाईफाई भी अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाईफाई में। यहाँ पर वाईफाई प्रेफरेंस में आपको 5 GHz का जो बैंड है वो देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है। हॉटस्पॉट भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेटा वगैरह चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4G अच्छे से वर्क कर रहा है। सिम कार्ड की बात करें तो सिम कार्ड भी यहाँ पर दोनों जो है एक्टिव होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंड नीचे आते हैं अगर हम ब्लूटूथ डिवाइसेज में तो ब्लूटूथ भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लूटूथ में। जादुई सेटिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम और सारी सेटिंग्स देख लेते हैं। बैटरी वगैरह सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। बैटरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन ऑन टाइम यहां पर 3 hours 47 minutes है। मैंने इससे पहले भी इसे यूज किया है, कम से कम 5-6 बार यूज कर दिया, पूरा ड्रेन किया देन यूज किया है, तो आपको एवरेज जो स्क्रीन ऑन टाइम वो मिलता है वो आपको 5 to 6 hours के बीच में मिल जाता है। अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो 4 to 5 hours के बीच में मिलेगा। के बाद यहाँ पर चलते हैं डिस्प्ले में, तो यहाँ पर आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलता है जो कि सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रही है। एंड ब्राइट भी काफ़ी हो जाती है, यहाँ पर कोई भी ब्राइटनेस स्लाइडर वगैरह में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। लाइव डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको रीडिंग मोड वगैरह देखने को मिल जाता है। बात करें साउंड की तो साउंड भी यहाँ पर सब चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर MI साउंड एनहेंसर भी देखने को मिल जाता है जो कि मतलब आपके साउंड को यहाँ पर एनहेंस करेगा। सिक्योरिटी और लोकेशन में यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो है अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फिंगरप्रिंट में। एंड बात करें यहाँ पर फेस अनलॉक की तो फेस अनलॉक फिलहाल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देन बाकी आपको सारी चीज़ें एज इट इज देखने को मिलती है। इवन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलता है, चेक फॉर अपडेट आप कर सकते हैं। जब भी कोई यहाँ पर नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा आपको यहाँ पर शो कर देगा एंड यहाँ पर आप उसे नॉर्मली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये एक ऑफिशियल रोम है तो आपको यहाँ पर जो सिस्टम अपडेट देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन आपको मिल जाता है 9 जो कि पाई के नाम से जाना जाता है। एंड सिक्योरिटी पैच लेवल आपको मिलता है सेप्टेम्बर 5 का जो कि एक अच्छी खासी बात है, आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अब हम चलते हैं कुछ अंदरूनी सेटिंग्स की तरफ। सो यहाँ पर जो हैवॉक सेटिंग्स नाम का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर बेसिकली सारी चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करता है ये सेटिंग। आपको छोटी से छोटी कस्टमाइजेशन से लेके
नॉर्मल कोई भी बड़ी कस्टमाइजेशन तक सारी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। एंड यही ऑप्शन आपके जो डिवाइस को है यहाँ पर डिफरेंट बनाता है पिक्सल रोम से। पिक्सल रोम में इसको छोड़ के आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ देखने को मिलती है, बट यहाँ पर आपको ये कस्टमाइजेशन के लिए हैवोक सेटिंग्स देखने को मिलती है। सो यहाँ पर स्टेटस बार में आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लाइक डबल टैप टू स्लीप कर सकते हैं, ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, आप कुछ क्विक पुल डाउन वगैरह इनेबल करना चाहे तो वो कर सकते हैं, क्लॉक एंड डेट का स्टेटस वो कर सकते हैं, इवन यहाँ पर बैटरी स्टाइल है जो आपको चेंज करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड ऐसी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके नीचे आते हैं क्विक सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आपको रोज वगैरह कितने सेट करने हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्योंकि क्विक सेटिंग में जिस तरह का आपको चाहिए आप पूरा सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड आते हैं इंटरफेस में, तो इंटरफेस में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, पिक्सल का मिल जाता है एंड AOSP का। सो दोनों ही काफ़ी कमाल है, पर्सनली मुझे पिक्सल ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने पिक्सल अप्लाई किया है। सो AOSP भी यहां पर अच्छे से वर्क कर रहा है, कोई भी ग्लिच नहीं है। बैकग्राउंड कलर आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप शेडी ग्लासी डार्क लाइट जो भी है ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉलपेपर के बेस पे वो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड एक्सेंट कलर आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं, यहां पर आप चेंज करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने किया ये एंड ये हो जाएगा चेंज। एंड डिफ़ॉल्ट कलर वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड स्विच अपीयरेंस में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप वन प्लस का चाहिए, मटेरियल डिज़ाइन चाहिए, कैसा चाहिए। सो यहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, सारे फंक्शंस के बारे में बात करूँगा तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको एम्बिएंट डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है, हालांकि एमोलेड स्क्रीन नहीं है, आप डबल टैप करके इसे इनेबल कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन में आपको बीच में सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनकी बात तो स्क्रीन स्टेबलाइजेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर, फ्रेम वैल्यू आपको यहाँ पर कैसा शेप चाहिए, राउंडेड चाहिए, नॉच हटाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एंड उसके बाद चलते हैं बटन्स में, तो बटन्स आपको क्या करने है? मतलब पावर मेन्यू में आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पर एडवांस रिबूट चाहिए तो आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट का चाहिए तो कर सकते हैं, फ्लैश लाइट, एयरप्लेन मोड जो भी चाहिए आप यहाँ पर कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब जब मैं पावर बटन को यहाँ पर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं एडवांस रिबूट एंड यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। करें नेविगेशन बार की, तो यहाँ पर नेविगेशन बार इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है एंड इसका कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। यहाँ पर जेस्टर्स की बात करें, आप जेस्टर्स से कंट्रोल करना चाहें अपने डिवाइस को तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के जेस्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आते हैं लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में डबल टैप टू स्लीप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन भी इनेबल। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब इतने सारे ऑप्शन हैं कि मैं सबके बारे में यहाँ पर बात भी नहीं कर सकता और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या एक घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन है। सो यहाँ पर रीसेंट पैनल में आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं अभी रीसेंट पैनल ऐसा है, यहाँ पर मैंने क्विक स्टेप किया है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ स्लिम तो यहाँ पर ये होगा चेंज। एंड चेंज होने के बाद आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसा हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं अब इस साइड में आ गया ये, यहाँ पर आप इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, उनको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो। नोटिफिकेशन में अगर आपको यहाँ पर LED वगैरह जो चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए लगाना हो। बेसिकली मैंने ये टेम्पर्ड ग्लास लगाया तो मेरी नोटिफिकेशन LED जो है यहाँ पर छुप चुकी है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता नहीं पाऊँगा। एंड उसके बाद एनिमेशन आपको कैसा चाहिए पूरे यहाँ पर, मतलब कभी आपका क्लोज़ हो रहा है ऐप या ओपन हो रहा है, यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्टिविटी चल रही है, स्क्रीन ऑफ का एनिमेशन कैसा हो, तो आप ये सारे एनिमेशन भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। चलते हैं सिस्टम में, सिस्टम में आपको यहाँ पर CPU इन्फो देखना है तो आपको CPU इन्फो भी दिख जाएगा, प्राइवेसी गार्ड भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर, अगर आपको कोई ऐप वगैरह को लॉक करना हो तो आप यहाँ लॉक वगैरह कर सकते हैं। इससे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लाइक सेंसर ब्लॉक कर देगा ये, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सेंसर वर्क कर रहे होते हैं जिससे बैटरी ड्रेन होती है, सो ये उस चीज़ को भी ब्लॉक कर देता है। एंड एग्रेसिव बैटरी चाहिए तो यहाँ पर एग्रेसिव बैटरी मोड भी आपको देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी यहाँ पर परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देगा एंड आपकी बैटरी लाइफ को काफ़ी इंक्रीज कर देगा। एंड यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है, सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आपको अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। मिसलेनियस में चलते हैं, तो यहाँ पर आप USB कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, स्क्रॉलिंग, कैशे वगैरह, इन सब चीज़ों को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, इवन आपको यहाँ पर गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं इस रोम के साथ। एंड यहाँ पर बात करें गेमिंग वगैरह की, तो गेमिंग वगैरह भी यहाँ पर अच्छे से हो रही है, सो लोड भी ये काफ़ी जल्दी से हो जाता है। एंड यहाँ पर हम चलते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में, एंड ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं स्मूथ में आप अल्ट्रा खेल सकते हैं, बैलेंस में अल्ट्रा खेल सकते हैं, HD में आप हाई में खेल सकते हैं, HDR तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल होगा भी नहीं। सो यहाँ पर PUBG में भी कोई भी यहाँ पर ज़्यादा हीटिंग वगैरह मैंने कुछ फेस नहीं किया, बहुत ज़्यादा खेलने पर थोड़ी बहुत हीटिंग होती है बट इतनी ज़्यादा होती नहीं है, आपको नॉर्मली यहाँ पर
कुछ हीटिंग का पता नहीं चलेगा अगर आपको मैं पर्सनली यहाँ पर एडवाइस करूँ। एंड मैं एडवाइस करूँगा कि जब भी गेम खेलते हैं तो यहाँ पर जो बैक कवर है उसे निकाल के खेलें। तो यहाँ पर जो नॉर्मल आपको स्टॉक कैमरा देखने को मिलता है वो MIUI कैमरा देखने को मिलता है, बट मैंने यहाँ पर ANX कैमरा डाल दिया। एंड इवन आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल कर सकते हैं, पर्सनली यहाँ पर मैं ANX कैमरा को यूज़ कर रहा हूँ, तो ANX कैमरा भी काफ़ी अच्छा खासा है, आपको प्रॉपर MIUI का लुक देखने को मिलता है। एंड अगर आप नहीं जानते कि ये MIUI का कैमरा किसी भी कस्टम रोम में कैसे इंस्टॉल करते हैं तो उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख के यहाँ पर। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको अपनी फ़ोन की एक्सिओ वेबसाइट पे जाना है, एंड वहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स है आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको फर्मवेयर भी चाहिए हो सकता है एंड कुछ रिक्वायर्ड TWRP रिकवरी भी हो सकती है। सो आप वही फाइल को डाउनलोड करें जो आपके एक्सिओ वेबसाइट में हो। तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro के लिए 3 फाइल्स चाहिए, बेसिकली वो है एक Havok ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल, एंड दूसरी फर्मवेयर की फाइल, एंड तीसरी यहाँ पर जो जी एप्स की फाइल, गूगल एप्स जो जिसका मतलब है। इवन यहाँ पर आपको कुछ रिकमेंडेड TWRP रिकवरी बोल सकते हैं, तो आप उन्हीं TWRP रिकवरी को इंस्टॉल की। यहां पर मैंने पीटर्स TWRP रिकवरी इंस्टॉल की है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे करना है इसको तो वीडियो आपको यहां पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। सो यहां पर इंस्टॉल करने से पहले सबसे पहले आपको जाना है वाइप में, एडवांस वाइप, डेल्वी कार्ड कैशे, कैशे सिस्टम, वेंडर डेटा, एंड आपको इसे वाइप कर देना है। एंड इसके बाद आपको बैक जाना है, एंड सबसे पहले यहाँ पर जो फर्मवेयर की फाइल को डाउनलोड मतलब फ्लैश करना है। सो ये जैसे ही फ्लैश हो जाएगी उसके बाद आपको यहाँ पर जो है Havok ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल है इसे फ्लैश कर देना। सो यहाँ पर ये जैसी इंस्टॉल हो जाएगी आपको बैक जाना है, एंड यहाँ पर गूगल ऐप्स को भी इंस्टॉल कर लेना है, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी गूगल ऐप देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम में क्लिक करना है एंड नॉर्मली रिबूट करना है, एंड यहाँ पर आपको सेटअप करना है आप डिवाइस को, एंड आप इसे नॉर्मली सेटअप कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप यहाँ पर रोम को जो है प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस पिक्सल रोम तो हालांकि अच्छी खासी रोम है मैं बोलूँगा, बट यहाँ पर अगर आपको कस्टमाइजेशन चाहिए अपने फ़ोन में, थोड़ा कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, कुछ जादुई शक्तियाँ देना चाहते हैं अपने फ़ोन को जिससे आप उसे मतलब बिल्कुल ऐसे झक्कास बना दें, तो डेफिनेटली आप Havok रोम को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रोम है एंड बहुत ही कम बग्स वगैरह, मेरे को लिटरली यहाँ पर कोई भी बग्स अभी तक मिला नहीं है जो कि नोटिसेबल हो। एंड इवन यहाँ पर ऑफिशियल सपोर्ट मिलता है, तो आपको रेगुलरली अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, तो हमें और क्या चाहिए। तो आप इसे डेली ड्राइवर रोम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रोम है, आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगी। तो गाइस जिस तरीके से आपको रोम पसंद आएगी उसी तरीके से आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना, बिकॉज आप सबके लाइक से मेरा मोटिवेशन है। सो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे, मिलते हैं किसी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।